अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक दुआ से रिलेटेड है। क्या हर दुआ कबूल होती है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो मोमिन बंदा कोई दुआ करता है जिसमें कोई गुनाह की बात न हो और न कतअ रहमी हो, अल्लाह ताला की तरफ से उसको तीन चीज़ों में से कोई एक चीज़ ज़रूर अता होती है। या तो जो उसने दुआ मांगा है वही उसको हाथ के हाथ यानी तुरंत अता फरमा दिया जाता है, या उसकी दुआ को आखिरत में उसका ज़खीरा बना दिया जाता है, या आने वाली कोई मुसीबत या तकलीफ उस दुआ के हिसाब में रोक दी जाती है। क़यामत के दिन अल्लाह ताला एक आदमी को बुलाएंगे और दरियाफ्त फरमाएंगे कि हमने तुझे दुआ मांगने का हुक्म दिया था और कबूल करने का वादा किया था, तो क्या तूने हमसे दुआ मांगी? वह अर्ज करेगा, हाँ मेरे रब। इरशाद होगा कि तूने कोई दुआ ऐसी नहीं मांगी जिसे हमने कबूल न किया हो। वह सवाल करेगा कि या अल्लाह, मेरी फना दुआ तो कबूल नहीं हुई थी। इरशाद होगा कि वह चीज़ तेरे लिए बेहतर न थी, उसकी जगह हमने तुझे फना नेमत दे दी थी। फिर वह एक और दुआ के मुतालिक पूछेगा तो इरशाद होगा, उस दुआ के बदले तुझे एक बड़ी मुसीबत से बचा लिया था। इसी तरह वह एक और दुआ के मुतालिक सवाल करेगा, इरशाद होगा कि देख, उस दुआ के बदले में हमने जन्नत में तेरे लिए यह इनाम तैयार कर रखा है। यह देखकर वह तमन्ना करेगा कि काश दुनिया में मेरी कोई दुआ कबूल न हुई होती। अल्लाह हम सबको दुआ करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। नाजरीन, अभी तक आप मेरे इस इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक करके शेयर जरूर करें। अल्लाह हाफिज़।